बिहार में जमीन सर्वे की स्थिति जो है अब आप जो है ऐप के माध्यम से जो है जान पाएंगे। पूरी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि गूगल प्ले स्टोर से जो है जमीन सर्वे की जो है एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके पूरा विवरण जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे से पहले जो है सभी कैंप कर्मी पंचायतों में आयोजित जो है यहाँ पे सभा संचालित की जाएंगी। इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि कैसे जो है इस ऐप का आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में जो है सर्वे का काम जो है शुरू कर दिया गया है। सर्वे की अद्यतन स्थिति ऑनलाइन सर्वे ट्रैकर पर देखी जा सकती है। तो ऐप का नाम है ऑनलाइन सर्वे ट्रैकर, इसको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप जो है मिल जाएंगी, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए खास तरह के ट्रैकर ऐप को विकसित किया है, इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर अपने जिला अंचल और ग्राम पंचायत का नाम डालने पर जमीन का पूरा विवरण जो है आपको देखने को मिलेगा। इस पर मौजा, खेसरा, खाता एवं प्लॉट संख्या के साथ रकबा को भी देख पाएंगे। इसकी मदद से संबंधित इलाकों में जमीन के सर्वे की पूरी स्थिति कहीं से भी आप जान सकते हैं। इस पर संबंधित पंचायतों के अमीन और कानूनों का मोबाइल नंबर भी मौजूद किया गया है, जिसपे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इससे संबंधित कर्मियों से जो है आप बात कर सकते हैं। सभी अंचलों एवं कैंप कार्यालय बनाए गए हैं। देखिए सभी अंचल में जो है यहाँ पे कैंप कार्यालय बनाए गए हैं। जमीन सर्वे शुरू करने से पहले कैंप कार्यालय में जो है तैनात अमीन होंगे, कानूनगो होंगे समेत अन्य कर्मी जो है अपने अपने क्षेत्र की पंचायतों में जो है ग्राम सभा आयोजित कर जमीन सर्वे से संबंधित जो है डिटेल जानकारी जो है वो बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति जो है मृत हो गए हैं, मर गए हैं, तो उनका जो है जमीन सर्वे में किसी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर किन्हीं का जमीन दस्तावेज दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे जिनका निधन हो गया है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं उस सभी के नाम जो है सर्वे में चढ़ाया जाएगा। इसके लिए पंचायत की ग्राम सभा में पारित वंशावली जो है आपको मान होगा, तो वंशावली जो है आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आपके सर्वे में जो है नाम चढ़ाया जाएगा। इस पर सभी रहतों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर किन्हीं का बंटवारा नहीं हुआ है तो अलग अलग जमीन सर्वे में नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपका बंटवारा नहीं है, आप जो है सम्मिलित परिवार में है, तो जिनके नाम पे है उसी तरह से होगा, तो पहले बंटवारा करना होगा, उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पे जो है डिटेल चढ़ाया जाएगा, सर्वे अलग अलग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है दस्तावेज के मुताबिक पहले से मौजूद सभी जमीन मालिकों के नाम सर्वे में जो है चढ़ाया जाएगा। तो आप जो है इस ऐप को जो है जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन सर्वे ट्रैकर ऐप, जिसकी मदद से जो है पूरी डिटेल्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो बंटवारा करके जो है यहाँ पे सर्वे करवा सकते हैं, सभी का नाम जो है दर्ज करवा सकते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो है आप कर सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको इस ऐप पे जो है पदाधिकारी की मिल जाएंगी, उस पर डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके बाद जो है आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।